40 साल करीब हो गए मुझे, एक भी गाना मेरा लिखा हुआ, लोगों ने अप्रिशिएट किया, तारीफ की, सब किया, मगर गाना एक भी मेरा लिखा हुआ रिकॉर्ड नहीं हुआ। जो गाने हुए ट्यून पहले बनी उस पर ही लिखे गए। तो खैर तब शायद वो एक टेक्निकल जो है, जो धीरे धीरे टेक्निकली है ना कि आप शब्द फिट कर देते हैं। और उन म्यूजिक डायरेक्टर का नाम था रॉबिन बैनर्जी। तो एक फिल्म हम लोग को मिली जिसका नाम था सही रॉबिन, वो फिल्म थी कुछ 63 या 64 की। और उस वक्त ये कुछ विविध भारती, ये दूरदर्शन, ऐसा कुछ भी नहीं था, टीवी गाने जो थे वो रेडियो सिलोन जाते थे, और रेडियो सिलोन में 8 से 9 के बीच में जो गाने बजते थे वो सुपर हिट होते थे। तो बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन जी, नौशाद साहब, रवि जी, मतलब जो उस वक्त के बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे, सबके गाने उसमें बजते थे। उसमें कहीं एक गाना हमारा उस टाइम का मन्ना डी सुमन कल्याण का गायब हुआ, तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बाहर आ जाए। ये गाना मतलब हर दिन करीब करीब 8 से 9 के बीच में। तो उसका फायदा ये हुआ कि हमारे म्यूजिक डायरेक्टर को कुछ 8-9 फिल्में मिल गई और हम लोग खुश हुए। और पहले गाने का मतलब हमको पहली फिल्म का पर सॉन्ग 25 रुपये दिए गए, और साथ में एक वाउचर दिखाया कि ये इंदिवर जी हैं, ये आनंद बख्शी हैं, इन लोग को 15-15 रुपये देते थे, हम आपको 25 रुपये दे रहे हैं। तो फिल्में बस ऐसी थी जिसमें मार्वल मैन, फ्लाइंग सर्कस, कुछ जंगली राजा, इस टाइप की फिल्में थी सब। मगर एक अच्छाई थी उस वक्त कि एक HMV था और वो 6 गानों में से 4 गानों का वो रिकॉर्ड बनाते थे, 2 गाने वो अपनी पसंद से कि नहीं ये ठीक नहीं है, मगर वो गाने बजते थे। अगर आपने सिलोन भेजे हैं तो गाने कहीं ना कहीं बजते थे, और अगर ऑडियंस ने उठा लिया उन गानों को तो फिर वो फरमाइश में ही बजते थे। तो इस तरह बस सिलसिला शुरू हुआ।